थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, उसके बाद जो 3-4 विकेट एकदम से गिरे, तो कहीं ना कहीं वो मैंने एक पैनिक सिचुएशन हो गई थी कि अचानक से क्या हुआ अच्छा चलते हुए। बट जब मैं बैटिंग करने गया तो जैसे मान गया तो MS ने बोला कि प्ले और नेचुरल गेम, जैसे भी टेस्ट मैच में खेलते हो कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ओवर थे उस टाइम पर कि अगर हम पूरा खेलते तो हमें पता था कि ये इजीली चेज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ जब मैं अंदर गया तो कोई प्रेशर नहीं था, मुझे पता कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं कि कुछ खोने को है, ऑलरेडी 8 or 7 or 8 आउट डाउन थे। तो जिस दिमाग में ये था कि इतना मैं खेल सकता हूँ, जितना सपोर्ट कर सकता हूँ मैं उसको, उतना कोशिश की मैंने। नहीं ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली उन्होंने, उन्होंने कहा जैसा खेलना है वैसा खेलो। तो मुझे एक स्टेज पर लगा कि अब मैं एक दो ऐसे शॉट खेल सकता हूँ, रिस्क फ्री शॉट, जिसमें मुझे मैं कॉन्फिडेंस था मुझे। तो ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी या उन्होंने कहा कि अब मारो, ऐसा कुछ नहीं था। बट वो स्टेज ऐसी थी कि मैं काफ़ी खुद पे कॉन्फिडेंस था मुझे कि अगर मुझे बॉल मिलेगा तो मैं मार सकता हूँ। नहीं एक्चुअली ऐसा कुछ ज़्यादा कोई स्पेशल प्लान नहीं था, बट नॉर्मल प्लान था, क्योंकि पता है कि कोई स्पेशल प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नॉर्मल प्लान जो भी था, नॉर्मल एक ही रन लेंगे या जो भी पूरे 50 ओवर तक, जो भी 47 ओवर से जो भी खेलेंगे, तो चांसेस है कि हम जीत जाएं। कोई ऐसा स्पेशल प्लान नहीं था कि हमें एक रन लेना है या 2 रन लेना है या ज़्यादा लेना है। बट हाँ, ये कोशिश थी कि जो भी हमारे पास सिंगल की अपॉर्चुनिटी हो या 2 रन की हो, वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक एक रन ऐड करते हुए एक स्टेज आएगी कि हमें 6-7 से ऊपर नहीं स्कोर ले जाना, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं था कि हमारे पास बैट्समैन थे, तो कहीं दिमाग में वो चीज़ थी। बट ऐसा नहीं था कि जैसा आपने बोला कि रन लेना है, कुछ एक्स्ट्रा हार्ड भागना है, ऐसा दिमाग में कुछ नहीं। यस, वी हैड अ प्लान, आई हैड अ प्लान अगेंस्ट हिम बिकॉज ही वॉज बोलिंग बेसिकली इज ऑफ स्पिनर, बट ही वॉज बोलिंग लेग स्पिनर गुगली, सो दैट वॉज अ सरप्राइज फॉर अस। सो व्हेन आई वेंट इन, आई जस्ट वॉन्टेड टू प्ले हिम एज अ रॉन्ग वन गुगली विच वॉज कमिंग इन टू मी एंड वॉट एवर गोइंग अवे फ्रॉम मी, आई वॉज नॉट रियली वरीड अबाउट दैट। सो बिकॉज वॉट एवर द विकेट ही टूक, दैट वॉज ऑन द गुगली इनकमिंग डिलीवरी। सो माई प्लान वॉज जस्ट टू काउंटर और जस्ट गो थ्रू इज इनकमिंग डिलीवरीज। इनिशियली इट वॉज बिट डिफिकल्ट टू रीड हिम फ्रॉम द एंड, बट लेटर ऑन व्हेन आई प्लेड आई वेंट थ्रू 10-15 बॉल्स एंड आई कुड पिक हिज वेरिएशन फ्रॉम हिज हैंड। नो, देयर वॉज नो मैसेज, द ओनली थिंग दे वॉन्ट मी टू प्ले एज लॉन्ग एज पॉसिबल, दैट वॉज ओनली द थिंग। And I also wanted to do the same thing because that was the only chance for us to win if I could have played all those 50-47 overs, and that was my plan also. And having Dhoni, yes, having him on the hand other on the non-strike end, it was a feeling of calmness, because I knew that even in the last 4-5 overs if we will need 7-8 run rate close to that, so he's there to score runs. So I wasn't really worried about scoring runs, I just wanted to play all those overs.